गुड मॉर्निंग टू ऑल। आई एम अगेन प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स विद कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूपी टीजीटी पीजीटी इन 10th एंड 12th क्लास यूपी सीबीएसई एंड आईएससी बोर्ड्स। वी आर डिस्कस माय प्रीवियस वीडियो नंबर सिस्टम 9th क्लास मैथमेटिक्स सीबीएसई एंड आईसीएसई बोर्ड्स नंबर सिस्टम। We are complete the number system chapter X all exercise by the NCERT book. We are discuss in this video some important questions for the RD Sharma book, RS Agarwal books for the important of the exam purpose. My channel is cover all types of mathematics with competitive exam geography. Myself is Dr. Rajesh Kumar and geography covered by Dr. Seema who has the NET and PhD and NET qualified. So if you new viewer my YouTube channel, so please like, share, subscribe my channel. My channel are devoted the whose student not afford the coaching classes fees. My channel is free of cost. If you complete your syllabus for the mathematics any classes, high school, inter, 9th, फर्स्ट ईयर बी एस सी बी टेक पॉलिटेक्निक डिप्लोमा एम बी ए सो यू आर ज्वाइन माई चैनल एंड कम्प्लीट योर मैथमेटिक्स सिलेबस। वी आर डिस्कस इन दिस लेक्चर के सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द नंबर सिस्टम 9th क्लास मैथमेटिक्स। लेट स्टार्ट इन दिस वीडियो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इफ गिविन क्वेश्चन ऑफ द फॉर्म ऑफ दिस। तो सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन 5 + √3 / 7 + 4 √3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट ऑफ 3। क्वेश्चन इज दैट इन फॉर्म ऑफ दिस आफ्टर देन यू आर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। क्वेश्चन इस टाइप से गिवन है तो आपको आपका फाइंड करना है ए और बी की वैल्यू क्या है। फर्स्ट बी कन्वर्ट दिस LHS ऑफ दिस क्वेश्चन इन फॉर्म ऑफ दिस। पहले इस फॉर्म को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट करें। इट मीन्स वी आर रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट के डिनोमिनेटर को हम रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज जानते हैं, रेशनलाइज कैसे करते हैं। वी आर द एलिमिनेट स्क्वायर रूट साइन ऑफ द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर से स्क्वायर रूट साइन में एलिमिनेट करते हैं। 5 + √3 वी आर डिस्कस इन माई प्रीवियस वीडियो के हाउ टू रीजनलाइज ऑफ द डिनोमिनेटर। सो आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू प्लीज सी माई द प्रीवियस वीडियो आफ्टर देन दिस वीडियो बेटर अंडरस्टैंडिंग फॉर यू एंड बेनिफिशियल फॉर यू। 5 + 7 + √3 मल्टीप्लाई, देखिए डिनोमिनेटर जो भी है उसके वैल्यू को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करेंगे आफ्टर द चेंज द मिडिल साइन। तो 7 - √3 / 7 - √3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट ऑफ 3। सो मल्टीप्लाई ऑफ दिस 5 - 7 = 35 - 5 - 4 = 20 और √3 5 - 4 = 20 √3 एंड मल्टीप्लाई 2 - 4 = 8 √3 √3 = 3 एंड प्लस √3 वैल्यू ऑफ दिस 14 √3 अपॉन दिस इज द वैल्यू ऑफ 7 + 4 √3 7 - 4 √3 रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी एंड ए प्लस बी। सो 7 2² - 4 √3 द स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी रूट ऑफ 3। वी आर यूज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी एंड ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज द एलजेब्रिक आइडेंटिटीज। एलजेब्रिक आइडेंटिटी वी आर यूज इन द डिनोमिनेटर ए प्लस बी एंड ए माइनस बी नंबर आर सेम देन मिडिल साइन इज अपोजिट प्लस एंड माइनस देन वी राइट ए स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे। देखिए दिस इज द 35 20 और दिस माइनस का 6 √3 8 3 = 24 अपॉन 49 - 4 = 16 √3 इक्वल टू ए माइनस बी √3। वी राइट 35 - this 11 - 6 √3 अपॉन 1 दैट इज द ए माइनस बी √3।
देखिए दिस इज द वैल्यू ऑफ दिस इम्प्लाई दैट 11 माइनस 6 रूट ऑफ 3 इक्वल टू ए माइनस बी रूट ऑफ 3। देखिए सिमिलर प्रोसेस, दिस इज द रेशनल नंबर, दिस इज द ऑल्सो रेशनल नंबर, बट सेकेंड नंबर इज द इरेशनल एंड सेकेंड नंबर इज ऑल्सो इरेशनल। कंपेयरिंग द नंबर ऑफ दिस, सो ए इक्वल टू 11 एंड माइनस 6 रूट ऑफ 3 इक्वल टू माइनस बी रूट ऑफ 3, कैंसिल आउट ऑफ दिस माइनस एंड माइनस, देन बी इक्वल टू ऑफ 6। तो यू गेट द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए वैल्यू इज 11 एंड बी वैल्यू इज 6। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? इफ़ यू एनी प्रॉब्लम यू आर राइट माई कमेंट बॉक्स, योर प्रॉब्लम इज सॉर्ट आउट इज शॉर्टली। ठीक है ना, समझ आ गया होगा, सिंपल है आपका। फर्स्ट भी रेशनलाइज करेंगे, रेशनलाइज करने के बाद इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। कन्वर्ट करने के बाद क्या करेंगे, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर से साथ कंपेयर करेंगे और इरेशनल नंबर का इरेशनल नंबर के साथ कंपेयर करेंगे। प्लीज मेक अ नोट। मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है फॉर द 9th क्लास, सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू एंड कम्प्लीट योर मैथमेटिक्स सिलेबस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज दैट इफ ए इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 3, देन फाइंड ए माइनस 1 बाई ए टू द होल पावर 3। ए इक्वल टू दिस, देन फाइंड ए माइनस 1 बाई ए टू द होल पावर 3। देखिए आपका ए की वैल्यू गिवेन है एंड ये फाइंड करना है। तो जनरली अगर यू आर पुटिंग द वैल्यू ऑफ दिस इन फॉर्म ऑफ दिस, ए वैल्यू पुट करेंगे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा। तो फर्स्ट भी राइट, देखिए ए इक्वल टू 2 प्लस रूट ऑफ 3 अपॉन 1 अपॉन 1, वी आर रेसिप्रोकल, इसको रिवर्स करिए। रिवर्स करेंगे तो वी आर गेट द वैल्यू 1 बाई ए, तो 1 अपॉन 2 प्लस रूट ऑफ 3। देखिए रिवर्स करने पर ये वैल्यू आया। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज का क्या कंडीशन है, 2 माइनस रूट ऑफ 3, 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो 1 बाई ए इक्वल टू 2 माइनस रूट ऑफ 3, सिमिलर प्रोसेस 2 टू द स्क्वायर माइनस रूट 3 टू द स्क्वायर, इम्प्लाई दैट 1 बाई ए इक्वल टू तो 2 माइनस रूट ऑफ 3 अपॉन 4 माइनस ऑफ 3। यू गॉट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए 2 माइनस रूट ऑफ 3। इट मीन्स 4 माइनस 3 इज 1, डिनोमिनेटर इज एलिमिनेट, रेशनलाइजिंग ऑफ दिस फंक्शन। यू आर गेट गिवन वैल्यू ए एंड 1 अपॉन ए ऑफ दिस, सो यू आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए माइनस 1 बाई ए टू द होल क्यूब। देखिए ए की वैल्यू, यू आर पुटिंग द ए वैल्यू ऑफ ए इज दिस 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस 1 बाई ए, 1 बाई ए वैल्यू ऑफ दिस, 1 बाई ए वैल्यू ऑफ दिस 2 माइनस रूट ऑफ 3 एंड पावर ऑफ 3। सो 2 प्लस रूट ऑफ 3 माइनस, साइन इज चेंज, जब माइनस करेंगे साइन चेंज होंगे आपके, 2 प्लस रूट ऑफ 3 और होल क्यूब, 2 एंड 2 कैंसिल, ये ऐड करेंगे आपका 2 रूट 3 टू द होल क्यूब। ठीक है ना, रूट 2 रूट 3 टू द होल क्यूब। अब 3 टाइम्स लिख दीजिए, आपको इसको 3 टाइम्स लिखेंगे, 2 रूट 3 2 रूट 3 2 रूट 3, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, और रूट 3 इज 3 अंडर रूट 3, दैट इज राइट 24 रूट ऑफ 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फर्स्ट भी फाइन, देखिए गिवन वैल्यू ऑफ दिस, ए की वैल्यू गिवन है आपका, बिल्कुल सिंपल है आपका। तो आपने क्या किया, 1 अपॉन ए फाइंड किया। 1 अपॉन ए फाइंड करने के लिए जो वैल्यू गिवन है उसका रिवर्स कर दिया, रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल करें 1 अपॉन ए 1 अपॉन ए, आफ्टर देन यू आर द रेशनलाइज ऑफ द डिनोमिनेट, डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया। रेशनलाइज किया तो डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, एंड यू गॉट द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन ए, 1 अपॉन ए की वैल्यू फाइंड हो गई आपको क्या, 2 माइनस रूट ऑफ 3। तो ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, वेरी सिंपल है आपका, प्लीज मेक अ नोट। क्वेश्चन नंबर 3, सिंप्लीफाई इज दैट 64 टू द पावर माइनस 1 बाई 3, 64 टू द पावर 1 बाई 3 माइनस 64 टू द पावर 2 बाई ऑफ 3। ठीक, वैल्यू आर गिवन इन द फॉर्म ऑफ दिस,
देखिए 64 माइनस 1 बाई थ्री, 64 1 बाई थ्री माइनस 64 2 बाई ऑफ 3, ओके। तो देखिए जनरली आपका गिवन ऑफ दिस हम क्या करेंगे, 1 बाई थ्री पावर हम 64 को इस टाइप से फैक्टराइज करेंगे कि आपका ये जो भी नंबर हो उसकी पावर 3 आ जाए। वी आर द कैंसिल आउट ऑफ दिस, यू आर नोन अबाउट द इंटरनल पावर एंड एक्सटर्नल पावर आर मल्टीप्लाई टू ईच अदर। एक्सटर्नल पावर और इंटरनल पावर का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आप इसको क्या लिख देंगे 64 को, 4 × 4 × 4 माइनस 1/3, सिमिलर प्रोसेस 4 × 4 × 4 1/3 माइनस सेम 4 × 4 × 4 और 2/3। दिस इज द 4 × 4 × 4 4 to the power 3 एंड 1/3 इन माइनस, सिमिलर प्रोसेस 4 to the power 3 पावर 1/3 माइनस 4 to the power 3 और 2/3। इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 4 to the power −1 द 4 to the power 1 एंड माइनस 4 to the power 2। देखिए माइनस वन इसको रिवर्स करके आपको प्लस में लाइए, 1/4 हो जाएगा, जे 4 ही रहेगा, माइनस 16। यू आर नोन अबाउट ऑफ दिस 1/4, 4 − 16 माइनस ऑफ 12, तो 4 × 3 = 12 माइनस ऑफ 3 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का कितना आंसर आ गया, माइनस ऑफ 3। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, बिल्कुल सिंपल आपका, जनरली वी आर सिंप्लीफिकेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। यदि 64 है, 64 को ऐसे ब्रेक करिए कि ये पावर 3 है तो पावर 3 इस फॉर्म में आ जाए, क्योंकि आपका अपॉन पावर जो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा आपका, ठीक है ना। मे बी पॉसिबल किसी कंडीशन में नहीं आता है तो एज इट जैसे आएगा फिर वैसे लिखेंगे हम लोग, ठीक है। अंडरस्टैंड, प्लीज मेक अ नोट। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट फोर्थ नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4/216 2/3 इन माइनस पावर प्लस 1/256 माइनस 3/4 प्लस 2/243 पावर ऑफ माइनस 1/5। फर्स्ट वी राइट, देखिए वैल्यू इज दैट, सिंपल वैल्यू है आपका माइनस पावर, यहाँ पे भी माइनस पावर, यहाँ फर्स्ट वी मेक द पावर ए पॉजिटिव। अगर चाहे तो हम इसको पॉजिटिव बना लें, पॉजिटिव बना लें तो पावर रिवर्स हो जाती है। जैसे जनरली अब a^-1 है तो 1/a लिखते हैं, ये आपका b^3 है और अपॉन a^3 है। अगर इसको रिवर्स करेंगे तो a^-3 b^-3, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर इनको आपस में चेंज करें तो ये ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा माइनस का, ऐसे ही इसको क्या करो ऊपर ले जाइए न्यूमरेटर में, तो 4 216 2^3 पॉजिटिव प्लस 256 2/3/4 इज पॉजिटिव 2 243 1/5। अब फैक्टराइज ऑफ 216 के फैक्टराइज किए, वी राइट 4 6 × 6 × 6 6^3 2/3 प्लस 256 वी राइट 4 × 4 और 3/4 प्लस 2, दिस इज द 3 × 5 1/5। यू आर फैक्टराइज ऑफ दिस, इसके फैक्टर करेंगे तो 6 × 6 × 6 3 टाइम्स, इसका फैक्टर करेंगे तो 4 × 4 × 4 × 4 टाइम्स, ये फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 × 3 × 3 × 5 टाइम्स। सो कैंसिल आउट ऑफ पावर ऑफ दिस, कैंसिल आउट ऑफ दिस और कैंसिल आउट ऑफ दिस, तो 4 × 6^2 प्लस 4³ प्लस 2 × 3 4 × 36 64 प्लस 6 मल्टीप्लाई ऑफ दिस 144 64 प्लस 6 2 1/4 आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐड कर लीजिए आपका, ठीक है ना। वैल्यू फर्स्ट वी चेंज द पावर ऑफ दिस इन प्लस, प्लस में चेंज करेंगे न्यूमरेटर में ले जाएंगे, न्यूमरेटर में फैक्टराइज करके, फैक्टराइज के कैंसिल आउट करके गॉट द आंसर ऑफ, प्लीज मेक अ नोट। लास्ट क्वेश्चन इज दैट फिफ्थ नंबर, रेशनलाइज। देखिए आ गया आपका रेशनलाइज ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर
सेवन अपॉन थ्री रूट ऑफ थ्री माइनस टू रूट ऑफ टू। ठीक, क्वेश्चन इज दैट, इसको रेशनलाइज करना है, बिल्कुल सिंपल है, आप कुछ नहीं करिए, डिनोमिनेटर का जो भी वैल्यू है उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिए विद चेंज द साइन, साइन चेंज करके थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट टू इन टू ऑफ थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट ऑफ टू अपॉन थ्री रूट थ्री प्लस टू रूट ऑफ टू। ओके, देखिए वैल्यू इज दिस, तो माइनस साइन था, प्लस करके न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वी आर मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई ऑफ सेवन, सेवन ऑफ दिस थ्री रूट ऑफ थ्री प्लस टू रूट ऑफ टू, मल्टीप्लाई ऑफ दिस ए स्क्वायर थ्री अंडर रूट ऑफ थ्री टू द होल स्क्वायर माइनस टू रूट टू ऑफ द होल स्क्वायर, तो ट्वेंटी वन रूट ऑफ थ्री प्लस फोर्टीन रूट ऑफ टू, मल्टीप्लाई ऑफ दिस नाइन इंटू थ्री, देखिए थ्री थ्री जा नाइन और रूट ऑफ थ्री, इसका रूट कैंसिल आउट स्क्वायर से, माइनस फोर इंटू टू, इम्प्लाई दैट ट्वेंटी वन रूट ऑफ थ्री प्लस फोर्टीन रूट ऑफ टू अपॉन ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन माइनस ऑफ एट, सो ट्वेंटी वन रूट ऑफ थ्री प्लस फोर्टीन रूट ऑफ टी और डिवाइड बाई ऑफ नाइनटीन, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। रेशनलाइज होगा, देखिए डिनोमिनेटर का आपका स्क्वायर रूट साइन इज एलिमिनेट। अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम पर्पज, दिस इज द नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक्स नंबर सिस्टम्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। ओके, दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, वी आर डिस्कस द नेक्स्ट लेक्चर द पॉलीनोमियल ऑफ दिस मैथमेटिक्स, इस मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर हम पॉलीनोमियल डिस्कशन करेंगे, सो प्लीज आई एम अगेन रिक्वेस्ट यू, इफ़ यू न्यू ओवर माई YouTube चैनल प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल्स। ओके, आप लाइक तो कर ही सकते हैं, आपके लिए हम इतनी मेहनत कर रहे हैं इतनी गर्मी में, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं कि आप चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तो और आपके साथियों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द कम्प्लीट वीडियो।